हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की। तब मैंने आपको बोला था कि इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वही इंटरव्यू की डायरेक्शन डिसाइड करता है। इसीलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आज की वीडियो इंट्रोडक्शन पे ही है कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देकर ही 99% अश्योर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप पूरे इंटरव्यू की टोन डिसाइड कर देते हो, डायरेक्शन डिसाइड कर देते हो, कैसे करोगे ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष तारंग, पब्लिश्ड ऑथर ऑफ बुक लर्नर टू अर्नर, सीक्रेट्स टू गेट हायर्ड इन योर ड्रीम कंपनी इवन बिफोर यू ग्रेजुएट। और इस चैनल पर चल रही है 30 डेज जॉब्स और चैलेंज सीरीज, जिसमें 30 वीडियोस की हेल्प से मैं आपको मदद कर रहा हूं आपकी ड्रीम जॉब, हाई पेइंग जॉब फाइंड आउट करने में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब तक इस पे 25 से ज्यादा वीडियोस आ चुकी हैं, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे 99% इंटरव्यूज में पूछा जाएगा वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या इंटरव्यू आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट यू, या क्वेश्चन होगा कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का एक ही पर्पस है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में जब भी हम आज तक किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं तो डिपेंड करता है हम किस पर्सन को किस कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसी तरह से हम अपना नाम और डिटेल्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी से किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो या उसको कॉल करके इंट्रोडक्शन देते हो, तो आप बोलते हो हेलो आई एम आशीष तारंग, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी एंड वर्किंग ऑन दिस प्रोफाइल। इसी तरह से अगर आप किसी से पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन करते हो, अगर आप किसी फ्रेंड और फ्रेंड से मिलते हो, तो आप बोलोगे कि हेलो आई एम आशीष तारंग, संदीप फ्रेंड। तो इसी तरह से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। लेकिन इंटरव्यू में आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, तो हमेशा इंट्रोडक्शन का पर्पस होता है कि सामने वाले पे एक बहुत ही परफेक्ट इंप्रेशन क्रिएट करना। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का आंसर इज द फर्स्ट थिंग जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ सुनना चाहता है, जब पहली बार वो आपकी आवाज फेस टू फेस सुनेगा, तो आई एम श्योर यू वॉन्ट टू मेक इट परफेक्ट। तो इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे दें, सवाल सबसे बड़ा यही आता है। देखिए, इंटरव्यू में आपने एचआर मैनेजर को और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है, तो आप कैसे इम्प्रेस करेंगे? वो आपको जॉब के लिए हायर करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे बड़ा पर्पस इंट्रोडक्शन का है कि आप इंट्रोडक्शन में ही प्रूफ कर दें कि आप उस जॉब के लिए राइट फिट हो। आप अपने आप को भीड़ से अलग और मेमोरेबल इम्प्रेशन बनाने वाला पर्सन प्रूफ कर दें। तो ये आप करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको बताना है अपना नाम, अपना नेटिव प्लेस इन अ सिंगल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताना है कि आप किस कंपनी के साथ किस प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हो, कितने टाइम से वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बताना है कि आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो या कौन सा कोर्स आपने अभी अभी कंप्लीट किया है। और अगर आपको इंटर्नशिप भी कर रहे हो साथ साथ, तो आपको बताना है कि मैंने ये कोर्स परस्यू किया और ये इंटर्नशिप मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इतना बताने के बाद, यहाँ तक तो आपने काफी लोगों से सुना होगा प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाता है, लेकिन जो अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ आपको अपने आप को राइट कैंडिडेट प्रूफ करना है, उसके लिए आपको अपना अपने पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे फ्रेशर हो तो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके करियर की कुछ अचीवमेंट्स, दो या एटलीस्ट दो अचीवमेंट्स आपको मेंशन करनी है। उसके साथ साथ ही आपको मर्ज करना है आपके की स्किल्स, इनडायरेक्टली आपको की स्किल्स के बारे में भी इम्फेसिस कर देना है। वो कैसे करना है मैं आपको अभी एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखे बिना नेक्स्ट वीडियो पे स्किप मत करना। तो आपने अपना नाम बताया, अपनी कंपनी का नाम बताया, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताया, आपने अपनी अचीवमेंट्स और की स्किल्स बताए। नेक्स्ट आपकी बात आती है कि आपको ये प्रूव करना है कि आप राइट फिट हो, तो आप अपने स्किल्स और अचीवमेंट्स का ब्लेंड करके एक सेंटेंस ऐसा क्रिएट करेंगे कि बिकॉज आई हैव डन दिस थिंग
and I have this much experience and this these are the skills, so I am suitable for this particular job. इसको आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, इससे सामने वाले को लगेगा कि यस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. लेकिन अगर कई बार ये रिस्की भी हो सकता है कि आप अपने आपके अपने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही डंका बजा रहे हो. अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने उन स्किल्स पे और आप रेडी हो, आप पूरी प्रिपरेशन करके आए हो कि इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर कर पाओगे, तो आप बड़े जोश के साथ इस सेंटेंस को ऐड कर लीजिए. तो ये आपको टोटल सेल्स पिच, ये एक इंट्रोडक्शन नहीं, ये काइंड ऑफ आपकी सेल्स पिच है जिसको आपको लिखना है 60 टू 90 सेकंड में. आप ये बोल पाओ और ये बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए. इस तरह से बोलो कि आप अभी फर्स्ट टाइम ही ये सब चीजें बोल रहे हो, आपने रट्टा नहीं मार रखा हो, तो आप उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीक्वेंसिंग कीजिए. ये करना कैसे? इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन लगता बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी तैयारी नहीं करोगे तो ये आपका इंटरव्यू सक्सेस के जगह पे फेलियर की तरफ भी ले जा सकता है. तो आप अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इंटरव्यू को किस तरफ लेके जाना है, सक्सेस और फेलियर. कमेंट कीजिए, अगर आप चाहते हैं सक्सेस तो कमेंट कीजिए सक्सेस, अगर चाहते हैं फेलियर, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा, तो टाइप कीजिए फेलियर. तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि कैसे आप इंट्रोडक्शन दें अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं. ये एग्जाम्पल मैं एज अ टेल आपको शेयर कर रहा हूँ, जो सेल्स पिच मैंने अपने एक वन टू वन सेशन के कैंडिडेट के साथ उसके लिए प्रिपरेशन कराई थी, एंड ही गॉट सैलरी जंप ऑफ 70%. जितनी सैलरी पे वो वर्क कर रहा था, तो 70% एक्स्ट्रा सैलरी, ऑलमोस्ट दो गुना सैलरी पे उसने नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करी. द रीजन वॉज उसने इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया. आगे सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से बेस्ड ही पूछे जाएंगे. इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसका रीजन मैं बता दूं. जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो हम एक बात के बाद दूसरी बात वहीं से ऐड करते हैं, वहीं से पॉइंट्स निकालते हैं और क्वेश्चनिंग करते हैं. अगर इंट्रोडक्शन ह्यूमन इंटरव्यू में ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, तो जब भी एक ह्यूमन बींग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर करेंगे, तो डेफिनेटली वो वहीं से क्वेश्चन पिक करेगा. तो वही टेक्निक आपको यूज करनी है. मेरे कैंडिडेट विवेक ने भी वही किया, इंट्रोडक्शन बहुत इंप्रेसिव दिया, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इंटरव्यू में सिर्फ एक पॉइंट पर आकर इंटरव्यूअर ने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जो डायरेक्शन ऑफ थॉट जा रहा था. लास्ट में सिर्फ सैलरी डिस्कशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ, फाइनल डिस्कशन के बाद ही वॉज सेलेक्टेड. तो क्या इंट्रोडक्शन उसने दिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. तो इसको पूरा ध्यान से सुनिए. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, आप रिप्ले करके लिख भी सकते हो. तो उसने ऐसे पिच प्रिपेयर किया. हेलो सर, आई एम विवेक कुमार, आई बिलोंग टू औरंगाबाद इन बिहार. करंटली आई एम वर्किंग विद SRL लिमिटेड एज अ टेरिटरी डेवलपमेंट मैनेजर सिंस 2017 एंड टेकिंग केयर फॉर नोएडा रीजन. तो यहाँ उसने अपना नेम और नेटिव प्लेस बताया और बताया कि वो इस कंपनी में कितने टाइम से किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है और किस एरिया को वो केटर करता है. नेक्स्ट उससे क्या कम्युनिकेट किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. फिर उसने अपनी अचीवमेंट्स को और स्किल्स को कैसे डिस्कस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. देन ही सेड, आई हैव बीन अवॉर्डेड बेस्ट परफॉर्मर सिंस लास्ट 2 years continuously. My management has appreciated not only my efforts and sales revenues I have generated, but also my ability to win customer loyalty and give them customer delight. तो यहाँ बहुत ही स्मार्टनेस थे. उसने अपनी अचीवमेंट को बताया, उसने बताया कि वो बेस्ट सेल्स पर्सन है, उसको appreciation करता है management, उसको कस्टमर लॉयलिटी कैसे जीतनी है वो उसको आता है, और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है वो उसको बहुत अच्छे से आता है. तो उसने रिवेन्यू की बात करी, कस्टमर्स की बात करी, और यही एक सेल्स पर्सन से कंपनी को चाहिए. नेक्स्ट व्हाट ही टोल्ड, उसने उसके बाद बताया कि उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंसेस क्या है. उसने फिर बताया, अर्लियर आई वॉज वर्किंग विद दिस कंपनी विद यूनिकैम एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर. देन उसने बताया कि कमिंग टू माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई हैव डन बी फार्मा फ्रॉम दिस कॉलेज एंड माई स्कूलिंग वॉज डन फ्रॉम CBSE बोर्ड. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डिलीजेंट इन माई एफर्ट, सो आई बिलीव आई एम द सूटेबल कैंडिडेट फॉर
द प्रोफाइल यू आर लुकिंग एट। ये सिर्फ 90 सेकंड्स के पिच ही आपको डिफरेंशिएट कर सकती है। अब अगर आप फ्रेशर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ये तो एक्सपीरियंस पर्सन के पिच थी, मैं क्या बोलूँ। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। सो अपनी बुक लर्नर टू अर्नर में मैंने प्रोफेशनल और फ्रेशर्स दोनों के लिए पूरा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको एक फॉर्मेट दिया है कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा देना है, लेकिन स्टिल आपको मैं वर्बली भी बता देता हूँ। तो इस ऑन पेज नंबर 143 जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है एक्सपीरियंस के लिए और नीचे एग्जाम्पल दिया है फ्रेशर्स के लिए, इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन गो एंड बाय दिस बुक फ्रॉम Amazon, Flipkart एंड यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर एज वेल। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आपको सेम फॉर्मेट यूज करना है, नेम, योर सिटी। हाँ, सिटी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ऐड कर सकते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं या फ्रेशर हैं। तो मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फॉर्मेट भी मैंने एक अपने स्टूडेंट जो राजस्थान में से, उसने ऑनलाइन कोर्स उससे लिया 1-to-1 कोचिंग ली, उसके लिए मैंने ये पिच क्रिएट करके उसको हेल्प की थी। तो यही सेम पिच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसने क्या इंटरव्यू में बोला ताकि उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसने बोला, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सचिन कुमार, आई बिलोंग टू पिंक सिटी जयपुर। अब यहाँ पिंक सिटी वर्ड यूज करके उसने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, अटेंशन गेन किया। देन ही सेड, आई एम परस्यूइंग माय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ABC कॉलेज एंड आई विल बी पासिंग आउट इन 2020। तो ये तो उसका एजुकेशन का हुआ। नेक्स्ट व्हाट ही एडेड, अभी यहाँ तक तो स्टोरी बहुत सिंपल थी, जस्ट आप उसने अटेंशन गेन करने के लिए एक फैक्ट ऐड किया अबाउट दिस सिटी। अब इंजीनियरिंग तो सभी करते हैं, तो अब उसको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है तो वो कैसे करेगा। तो आई सजेस्टेड हिम टू से लाइक दिस, ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग आई हैव नॉट ओनली गेन नॉलेज अबाउट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बट आई हैव गिवन एम्फेसिस ऑन पावर सिस्टम विद डिटेल्ड नॉलेज ऑन पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंटरव्यू उसका एक पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड कंपनी का था, तो वी फोकस ऑन दिस पिच, अभी पावर सिस्टम पे एम्फेसिस किया। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमने ऐड किया, आई हैव डन ट्रेनिंग इन पानीपत थर्मल पावर प्लांट वेयर आई लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ पावर एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ये ट्रेनिंग हुआ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, I have done project on smart grid system where I emphasized on how we can reduce the transmission losses. Company transmission से related उसने project किया power system, power grid पे, और उसने mention किया कि कैसे उसने power के transmission losses से related क्या project किया। प्रोजेक्ट की डिटेल में वो यहाँ पर नहीं गया, यहाँ पर जाने की ज़रूरत भी नहीं, जब क्योंकि आपने एक क्लू दे दिया है जब व्यूअर को वहाँ से वापस क्वेश्चन पूछे। अभी इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग का आउटकम क्या था, प्रोजेक्ट का आउटकम क्या था, तो ही एडेड, दिस ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट हेल्प मी टू गेन एक्सपर्टीज नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड आई हैव एंड माय रिसर्च पेपर हैव बीन पब्लिश्ड इन दिस जर्नल व्हिच इज इंटरनेशनली वेरी वेल रिकग्नाइज्ड। इसने एक बड़ा इम्पैक्ट किया कि दिस स्टूडेंट इज आउट ऑफ द बॉक्स। इस स्टूडेंट ने ना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, ट्रेनिंग्स भी की, प्रोजेक्ट्स भी किए और उस प्रोजेक्ट को रिकग्निशन भी मिली। एंड देन ही टोल्ड अबाउट, तो दिस वाज हिज अचीवमेंट। देन ही टोल्ड अ लिटिल अबाउट हिज पर्सनल दैट अपार्ट फ्रॉम हिज स्टडी ही इज इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल एंड रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। एक लाइन और ऐड की कि अपने आप को वो क्या करना चाहता है, अपने आप को वो क्या देखना चाहता है आफ्टर 4 or 5 years, क्या उसकी लाइफ का गोल क्या है। तो ही सेड, आई एम वेरी डिटरमाइंड टू बिल्ड माय करियर विद अ कंपनी हु प्रोवाइड्स अटेंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड आई बिलीव दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर आई एम सिटिंग टुडे, आई एम ग्लैड दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद यू सर। तो उसने इंटरव्यूअर को भी ये फील कराया कि यस, ही इज पोटेंशियल कैंडिडेट एंड ऑल्सो ही हैज रिस्पेक्ट फॉर द इंटरव्यूअर एंड द कंपनी जहां पे वो इंटरव्यू दे रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हो तो क्या आपको लगता है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू इस पूरे सेक्शन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ध्यान से सुनिए, रिपीट कीजिए, नोट्स बनाइए, फॉर्मेट वही रखिए। अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कुछ क्वेरी है तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।
जॉब से रिलेटेड भी कुछ क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स की हेल्प से पूछिए। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। इंट्रोडक्शन इन इंटरव्यू कैन मेक और ब्रेक योर करियर, सो इंट्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इंफोसिस करिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। सिर्फ अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू नो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी के अभी सब्सक्राइब करो, पीछे की पूरी वीडियोस देखो और आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत ही कमाल की होने वाली हैं। आई विल सी यू इन वन मोर पावरफुल वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।